आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बदलाव या कितने जल्दी जयराम को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और आपके वोट की ताकत से चौधरी देवराज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आज से पहले प्रदेश के वहां मुरादपुर देखना और उसके बाद ध्यान के कई कोखरा काल में पहुंचा तो कोखरा पूजा काल में खड़ा हो रहा था। इस बात का संदेश पूरे प्रदेश में दे रहा था कि अब हरियाणा प्रदेश में भी परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। आज आपके बीच में मैं हल्के की 15 से 16 गांव से जाकर किया है, लोगों का उत्तर देखने वाला है। आपकी भीड़ से भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार खत्म करेगी। अब आप इस बात से सहमत हो नहीं हो पत्रकार मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो भीड़ है, ये जो लोगों का जो असर उत्साह है, जिस तरह से माता बहन बड़ी संख्या में आई है, इनका काम का समय है। ये काम छोड़कर इतनी बड़ी संख्या में है, इसकी आइए ये भी गलती है कि भाजपा जनपा सत्ता से बाहर हो गए। हरियाणा में परिवर्तन आएगा और परिवर्तन की शुरुआत से मैं महंगाई करेगा। इस तरह से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बढ़े, इस बात पर मैं भी लोग वोट लगा करके आने वाले समय में सत्ता का परिवर्तन करने का काम करेगा। आज हर वर्ग के लोग खुशी है, परेशान है, बदलाव चाहते हैं। आज तो इस सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, कानून व्यवस्था खत्म कर दी, आज अपराध बढ़ा दिए, आज पढ़े लिखे नौजवान का रोजगार छीन लिया, नौकरी छीन ली, आज चुनी हुई पंचायतों के समर्थन जो है उनके अधिकार छीन लिए, आज किसान खुशी है, आज किसान के साथ साथ व्यापारी भी दुखी है, आज कर्मचारी दुखी है, मजदूर दुखी है, आज हर आदमी परिवर्तन चाहता है। आज मैं आपके बीच में 1400 किलोमीटर का सफर तय कर दिया है, 700 से ज्यादा गांव में जाकर मैं इस गांव का स्टेडियम बना दिया,
सारी सुविधाएं आपको देकर के पीने के पानी की, शुगर मिल की, हर तरह की सुख सुविधा प्रदान करने का काम किया। जो काम चौधरी देवीलाल के वक्त में हो गए, उसके बाद चाहे कांग्रेस का राज था, चाहे बीजेपी के, चाहे बीजेपी जेजेपी की सरकार है, एक ईंट भी किसी गांव में या इस मैन कस्बे में मैन शहर में नहीं लगी। लगी है तो आप बता रहे हो, कोई काम हुआ एक आने सके। हॉस्पिटल की हालत ऐसी है कि हॉस्पिटल में मरीज नहीं जाते, इस बात से डरते हैं कि पता नहीं कब गिर जाएंगे और कब इसमें दब के मर जाएंगे। आप दोबारा फिर राज बढ़ाओ। आप लोगों ने हमेशा चौधरी देवीलाल को सांसदी और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाओ। हम आने वाले समय में फिर से इसमें विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस तरह के विकास के काम कराएंगे कि लोग देखने के लिए आएंगे कि मैं मन के क्षेत्र का विकास करूं। जहां विकास के काम करेंगे वहीं आज ये सरकार बुजुर्गों की पेंशन काट रही है, गरीब आदमी का पीड़ा कार्ड काट रही है, आज इस तरह के फरमान जारी किए जाते हैं कि आप आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को जोड़ो। जिसका बैंक में खाता है उसको आदेश देते हैं कि आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ जोड़ो। पैन कार्ड तो उन लोगों का बनता है जिनकी इंडस्ट्री है, जिनका बिजनेस है, जिनके उद्योग है। आधार कार्ड तो ठीक ठाक गया सेठ, आधार कार्ड तो पैन कार्ड तो इसको चाहिए है, हमने थोड़े किए पैन कार्ड। ना मजदूरी करने वाले को चाहिए, ना खेती करने वालों को चाहिए, इनको इसलिए चाहिए कि इन्होंने टैक्स भरना होता है। इसलिए जो जितना भी बड़ा आदमी होगा उसको पैन कार्ड की जरूरत होगी, लेकिन हमारे से जबरदस्ती 1100 रुपए लिया जाता है। ये नहीं बताया जा रहा कि पैन कार्ड आधार कार्ड जोड़ने के बाद जो 1100 देंगे उसका फायदा क्या होगा। फायदा होने की वजह पैसा लेने का काम करें, देने का नहीं करें। आप सरकार बनाओ, सत्ता का परिवर्तन करो, हम सबसे पहले इन सब कार्डों को खत्म कर देंगे। ये कार्ड जहां खत्म करेंगे वही जो 1100 आपसे दिए जा रहे हैं ब्याज के समेत आपके खातों में वापिस कर देंगे। जहां ये पैसा देंगे वहीं इन्होंने पेंशन काट दी। हम 100 रूपये वाली पेंशन को कानून बना करके 7500 रूपये करके बुजुर्ग का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ पहले भी नौकरी की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सन 1987 में 2000 में जब जब भी हमारी सरकार बनी, गांव के शहर के पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिला, नौकरी मिली। नौकरी मिलती थी कि नहीं मिलती थी उस वक्त, कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में पिछले 18 साल से कोई नौकरी नहीं है। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है, दुखी है, परेशान है। आज नौजवान सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है। जब मैं यात्रा में चलता हूं एक बात को नोट करता हूं विशेष रूप से कि मेरे साथ चलने वालों की संख्या में कितनी कितनी उम्र के लोग चल रहे हैं। नौजवानों की संख्या सबसे बड़ी होती है, इसलिए नौजवान की कोशिश है कि बदलाव आए। यहां भी जब आ रहा था तो रस्ते में जगह जगह नौजवान साथी मिले मुझे। नौजवान सबसे बड़ी संख्या में मेरे साथ यहां तक पहुंचे। मैं उनको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि तुम सत्ता का परिवर्तन बढ़ने में धुरी बन सकते हो, अगवानी कर सकते हो। तुम इसकी अगवानी करो, सत्ता का परिवर्तन करो। जैसे तुम अपना राज बनाओगे, चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाओगे, हम हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। वही जो बच्चा नौकरी से छूट जाएगा उस बच्चे को हम 21,000 रूपये बेरोजगारी सम्मान भत्ता देकर उसको सम्मान सम्मान बढ़ाएंगे। ये माताएं बहनें बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। जहां पीने के पानी के लिए इनके सामने परेशानी आती है, वही मोदी जी इनको कह रहा था गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। गैस का सिलेंडर मुफ्त में आता है क्या आजकल तुम्हारा? इन माताओं बहनों से पूछू,
बताओ तो सही, गैस का सिलेंडर मुफ्त में मिले, पैसे लगे हैं? पैसे लगते हैं। मोदी कहता मुफ्त में दूंगा, फिर मैं गैस के चूल्हे तो आगे गैस का सिलेंडर लेने में दिक्कत होगी। आप सबसे बड़ा परिवर्तन कर सकती हो, आप अगर ये फैसला कर लोगे कि हमने परिवर्तन करना है, अगर आप बैठ करके ये फैसला कर लोगे तो फिर मान करके चलो तुम्हारे फैसले के सामने इन सब को भी मजबूर होना पड़ेगा, ये भी तुम्हारे कैंड से वोट डालने जाएंगे। तो अगर इनके चापी मरोड़ेगी तो वोट देंगे कि नहीं देंगे? इतनी तो फैरिस्ट उधर होगी, इतनी होगी मेरे से बाहर जाके वोट गिरेंगे, मेरे कहने से वोट गिरेंगे, ये तुम्हारे कहने से वोट पड़ेगा। जब आपके कहने से वोट पड़ेगा तो फिर परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आने के बाद आपको हर महीने एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपये आपके खाते में मुफ्त में देने का काम करेंगे। इस परिवर्तन के लिए कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, आंदोलन करने की जरूरत नहीं। सबके पास फोन है, एक दूसरे को मिलते हो, मान सम्मान करते हो, इज्जत देते हो, राम राम करते हो। करते हो कि नहीं करते हो? जब राम राम करो तो उसके साथ साथ ये कहना शुरू करो, परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? ये कहना शुरू कर दो, परिवर्तन करो। हर कोई अपने आप को यूं कह, मैं सरकार के बहुत नजदीक हूं, तो उसको मिलते ही 3 बारी को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जिनमें 20-30 बार जब मिले, हर बार उसको यही बात हो, 3-3 बार, जब 50-100 बार उसकी कान में ये बात जाएगी, वो व्यक्ति भी घर जाकर के ये नहीं कहेगा खाना बनाओ चाय बनाओ, वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा जी। जब परिवर्तन आ जाएगा तो फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बनाएंगे, फिर विकास के काम करवाएंगे, अच्छे स्कूल और कॉलेज बना करके देंगे, हॉस्पिटल अच्छे बना करके देंगे जिसमें सारी व्यवस्थाएं होंगी, सड़कों का निर्माण करेंगे, पीने के पानी का प्रबंध करेंगे, मयंक चौधरी देवलाल के नारे को साकार करेंगे, बिजली पानी का प्रबंध करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। चौधरी देवलाल का जब राज था 24 घंटे बिजली मिलती थी कि नहीं मिलती थी? अब कितनी मिलती है? अब दिन के अंदर बिजली ही मिलती है। बिजली देने की बजाय बिजली के मीटर बाहर लगा दिए, और मीटर भी ऐसे लगा दिए जो धूप से चलते हैं, बिजली से नहीं चलते। जो बिल 500 का आया करता था, 5-5 हजार के बिल आने लगे। आते हैं नहीं आते इतने बड़े बड़े बिल? तुम राज बनाओ, ये मित्र पार्क के रोड में फेंक दूंगा और सारे घर में मित्र लगवा दूंगा। ये सारी चीजें परिवर्तन आने के बाद रूप से आप सबके रूप होने का मौका प्रदान करता हूं। मंडी